हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है और बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो बढ़ाकर 35,621 कर दी गई है। और ऑफिशियल जो नोटिस है वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और पिछले आधे घंटे से लगातार मेरे व्हाट्सएप पर और ईमेल पर बहुत सारे स्टूडेंट मेल कर रहे हैं नोटिस की ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं, क्या ये नोटिस रियल है या फिर से किसी ने यहाँ पर एडिट करके नोटिस को वायरल किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ALP के रिगार्डिंग जब इन्फॉर्मेशन आई थी उसके कुछ समय बाद जो है इस तरह का नोटिस वेबसाइट्स पर आ गया था। यानी कि रात को 9:30 बजे के करीब पहले ALP का वो वाला नोटिस आया था जिसमें वैकेंसीज बढ़ाने की बात कही गई थी। फिर ऑफिशियल जो वेबसाइट है RRB की, उस पर ये नोटिस डाल के अगले दिन मॉर्निंग में और पूरा अपडेट दे दिया गया था कि 5,696 से बढ़ाकर वैकेंसीज को 18,799 कर दिया गया है। तो ठीक है, अब ये जो नोटिस है उसके बाद टेक्नीशियन का एक और नोटिस वायरल हुआ जिसमें बताया जा रहा था कि जो वैकेंसीज हैं 9,144 से बढ़ाकर जो है और उनको लगभग जो है 30,000 प्लस कर दिया गया है। अब उसी के बाद यहाँ पर ये वाला नोटिस जो है लगातार स्टूडेंट भेज रहे हैं। अब सबसे पहले ये नोटिस देख लेते हैं। इसमें बोला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN2 2024 टेक्नीशियन Grade 1 and Grade 3। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ पब्लिश CN2 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन Grade 1 and Grade 3 विद 9,144 वैकेंसीज ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज। अ रिव्यू हैज़ बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम जोनल रेलवे एंड वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन Grade 1, 1st and 3rd स्टैंड एनहेंस टू 35,621। ठीक है, तो ये यहाँ पर बड़ा अपडेट दिखाई दे रहा है कि 35,621 क्या सच में टेक्नीशियन के पद कर दिए गए हैं। आगे अगर बात करें नोटिस की तो लिखा गया है नेसेसरी नोटिस इंडिकेटिंग RRB वाइज कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी शैल बी डिस्प्ले ऑन वेबसाइट। सब्सिक्वेंटली अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज दियर चॉइस ऑफ RRB वंस डिटेल आर पब्लिश। कैंडिडेट शुड कीप दियर विजिट वेबसाइट फॉर फर्दर नोटिस इन रिगार्ड। डेट की बात करें 22/6/2024 की डेट है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये नोटिस देखो आप, जो ये वाला नोटिस है ना, हूबहू यही नोटिस आपका टेक्नीशियन का दिखाई दे रहा है। और अगर देखें यहाँ पर जो फॉन्ट है, फॉन्ट भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम ही है। सिर्फ यहाँ पर एक तो डेट चेंज है, यहाँ पर 19/6 की डेट थी और जहाँ पर ALP था वहाँ पर टेक्नीशियन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, क्या ये जो नोटिस है ये रियल है या फिर फेक है। जैसे ही मेरे पास ये नोटिस आया, जैसे स्टूडेंट ने नोटिस मेरे पास सेंड किया, मैंने सभी RRB की वेबसाइट पर चेक किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, कुछ वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो रही है तो वहाँ पर तो ये नोटिस मुझे किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिला। लेकिन 2-3 जोन ऐसे हैं जिनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो उस वेबसाइट पर चेक करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर उन सभी वेबसाइट पर, यानी कि जो आपके RRB हैं जितने भी 21 RRB हैं, अगर किसी भी वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस नहीं है फिर तो ये नोटिस पूरी तरह से फेक ही है। वैसे अगर आप शुरुआती दौर पर देखेंगे तो ये फेक ही लगेगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पर बड़ी अजीब लगी, ये यहाँ पर Grade 1 और Grade 3 लिखा हुआ है, जबकि रेलवे की भाषा में ये Grade 1 और Grade 3 ऐसे नहीं बल्कि ये Grade 1 और Grade 3 ऐसे लिखा जाता है। तो अगर ये किसी ने एडिट किया है तो ये एडिट यहाँ पर मुझे लग रहा है एडिटेड है, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये 1st और 3rd लिखा गया है, इस वजह से मुझे थोड़ा फेक भी लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से फेक भी नहीं कह रहा हूँ। अभी जितनी वेबसाइट पर मैंने चेक किया है, किसी भी वेबसाइट पर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। 2-3 वेबसाइट जो नहीं ओपन हुई हैं वो अब जब ओपन हो जाएंगी तो वहाँ से चीज़ें और क्लैरिफाई हो जाएंगी। बाकी अभी के लिए आप इस नोटिस को फेक मानकर ही चलें, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, स्टूडेंट बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। बाकी इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करके कल मॉर्निंग में वीडियो बना दूंगा और तब आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आप इस नोटिस को फेक ही मानिए, बाकी सभी वेबसाइट्स पर चेक करके और इसकी ऑथेंटिसिटी की जांच करके मॉर्निंग में आपको अपडेट दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।